और फिर हम वहाँ से जिमनास्टिक क्लास भी जाएंगे। ठीक है पर ज्यादा भाग दौड़ मत करना। ठीक है बाबा। और पसीना आए तो ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। अच्छा ठीक है। ज्यादा शरारत मत करना नन्ही परी, समझी तुम? जी समझ गई। तो फिर ठीक है, चलो जाओ। निजात साहब, गुड मॉर्निंग। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं मायरा के बारे में? जरूर। मायरा ने फिर से कुछ किया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आजकल तो मायरा का रवैया काफी अच्छा है सबसे। वाकई में? जहाँ तक मुझे याद है कि मायरा की बर्थडे नजदीक। हाँ, 3 दिन बाद उसका बर्थडे है। क्या उसका बर्थडे खास बनाने के लिए आपने कुछ सोचा है? मेरा मतलब, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। नहीं, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में बाकी बच्चों की जिस तरह सालगिरह मनाई जाती है वैसे ही कीजिएगा। मैं ये बात जानती हूँ कि मायरा के लिए उसका बर्थडे बहुत अहम होता है। मैंने सुना है कि उसकी अम्मी आइलैंड साहिबा आ रही हैं। मायरा उनके आने का सुनकर बहुत खुश है। क्या कहा आपने? मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी कि मायरा के सामने उसकी मॉम की बात ना की जाए, वो कंफ्यूज हो जाती है। कौन कर रहा है इस तरह की फजूल बातें? मायरा से ही सुना है हमने निजात साहब, उसने खुद ही सबको बताया है कि मेरी अम्मी आने वाली हैं, तो हमें लगा आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है, परेशान मत हो, मैं मायरा से बात करता हूँ। स्पोर्ट्स क्लास कितनी अच्छी है ना मायरा। हाँ यार। बाबा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? बेटा, आपको क्या बात करनी है मुझसे? मैंने कुछ नहीं किया है बाबा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तुमसे किसी और बारे में बात करनी है। क्या तुमने अपनी टीचर से कहा कि तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारी मॉम आने वाली है? जी जी, वो आएंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि वो आएंगी? देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें पाबंदी से लेटर भेजती है ना, क्योंकि वो अफ्रीका से आसानी से वापस नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अफ्रीका यहाँ से कितना दूर है। अम्मी जरूर आएंगी और वो अपना वादा कभी नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल बेटा, जानता हूँ वो नहीं भूलती, लेकिन उन्होंने तुमसे वादा भी तो नहीं किया। देखो बेटा, तुम जानती हो ना मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने टीचर से ऐसा क्यों कहा? पिछले साल अम्मी ने कहा था कि वो अगली बर्थडे पर वो मेरे साथ होंगी जब मैं 6 साल की हो जाऊंगी, और अब मैं इस महीने 6 साल की हो जाऊंगी, तो क्या पता वो आ जाए मेरी बर्थडे पर। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। मेरी जान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपके साथ नहीं मनाना अपना बर्थडे। अच्छा मेरी बात तो सुनो जरा। दूर हो जाइए मुझसे। मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ तुम जानती हो ना बेटा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है बाबा, और अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप इस तरह मुझे उदास नहीं करते। सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्यों ना तुम, मैं और हैरी अंकल तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाने चलें? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी अम्मी की जरूरत है, और आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी बर्थडे पर नहीं आ पाई, लेकिन उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी नेक्स्ट बर्थडे पर तुम्हारे साथ होंगी, मगर तुम अपनी इस बर्थडे पर खूब मजे करना, खूब खाना पीना। तुम्हारी 6ठी सालगिरह पर हम लोग जरूर मिलेंगे और खूब मजे करेंगे। तुम्हारी अम्मी। बाबा, आपको याद नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने दोबारा जिक्र नहीं किया कि वो आएंगी। अगर वो नहीं भी आई तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भूल गई हो ये बात। वो ये बात कभी नहीं भूलेंगी। आप अभी तक नहीं समझे ना? क्या नहीं समझा मैं? यही कि अम्मी हमें सरप्राइज देंगी। चलो आ जाओ।